नमस्कार, मैं उत्तम पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिलासपुर मशरूम में। बहुत समय से आपके द्वारा प्रश्न किया जा रहा था कि सर हॉटस्टार मशरूम की पैकिंग हम कैसे करें ताकि इसकी मार्केटिंग अच्छे से की जा सकी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हॉटस्टार मशरूम की पैकेजिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हॉटस्टार मशरूम को आप कई तरीक़ों से पैकिंग कर सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दो से तीन टेक्निक ऐसे बताऊंगा जिसमें आप कम से कम कॉस्टिंग में हॉटस्टार मशरूम की पैकिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो हॉटस्टार मशरूम होता है इस प्रकार से बंच में रहता है, पूरा बंच में ये निकलता है। तो कभी भी आपको इस प्रकार से जैसे बंच में निकलता है तो मार्केट में लेके नहीं जाना है। सबसे पहले इसकी आपको सफाई करना है। जैसे आपने ये मशरूम तोड़ा हुआ है तो मशरूम में देखिए इस प्रकार से भूसा लगा रहता है या इस प्रकार से स्पोर्ट्स वगैरह भी लगे रहते हैं, जैसे कि ये थोड़े थोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन सबको आपको सबसे पहले एक नाइफ ले लेना है और नाइफ की सहायता से आपको इसको सफाई करना है। और सफाई करने के बाद भी आपको डायरेक्ट इसको ऐसे बंच में मार्केट में लेके नहीं जाना है, आपको इसकी थोड़ी सी पैकिंग करनी पड़ेगी। तो पैकिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो हॉटस्टार मशरूम रहता है जिस प्रकार से गुच्छे में रहता है उसको सबसे पहले आपको अलग अलग कट कर लेना है। जैसे कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको एक नाइफ लेना है और नाइफ से कट करके इसको आपको अलग कर लेना है। जो पंखुड़ी वाले भाग होते हैं उसको आपको अलग कर लेना है एक एक करके। तो चलिए एक एक करके हम जितने भी हमारे पास मशरूम हैं उन सबको कट करके अलग कर लेते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे आपको छोटे मशरूम को नहीं तोड़ना है उसी प्रकार से आपको ओवर मैच्योर्ड मशरूम को भी मार्केट में सेल नहीं करना है, क्योंकि अगर ओवर मैच्योर्ड मार्केट में आप मशरूम सेल करेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश आप यह करो कि छोटे मशरूम और जो फ्रेश रहें उन्हीं को सेल करिए। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपको मशरूम तोड़ना है उससे 12 से 24 घंटा पहले आप मशरूम में पानी का स्प्रे नहीं करेंगे। आप पानी का स्प्रे कर देते हैं तो क्या होता है कि मशरूम की जो फ्रेशनेस रहती है वो बरकरार नहीं रहती है। तो ये जो मशरूम अभी देख रहे हैं इसमें हमने तोड़ने से 24 घंटा पहले पानी का स्प्रे नहीं किया है, तो इसके आप फ्रेशनेस देख सकते हैं। और जब हम इसको बंद डिब्बे में पैकिंग करेंगे तो इसकी जो पैकिंग की जो क्वालिटी है और बढ़ जाएगी। तो चलिए एक एक करके सारे मशरूम को पहले हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आपके पास मशरूम रहेंगे सब मशरूम को आपको एक एक करके तोड़ लेना है। तो देखिए कितना फ्रेश दिख रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। जितने भी पंखुड़ी रहेंगे सबको अलग अलग कर लेना है। अब आइए समझते हैं पैकेजिंग को कि हम लोग पैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पैकिंग मटेरियल मार्केट में कई प्रकार के बिकते हैं, आप अपने बजट के अनुसार मार्केट से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कंटेनर है आपको मार्केट में मिल जाता है, हालांकि ये कंटेनर थोड़े से कॉस्टली आते हैं। ये जो मैं कंटेनर अभी यूज़ कर रहा हूँ इसका जो रेट है कंटेनर का ये मुझे पड़ा था 4 रुपये, रिटेल प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुझे पड़ा था 4 रुपये। ढक्कन है ये मुझे पड़ा था लगभग 1.5 रुपये के आसपास। तो इसके अलावा भी इससे थोड़े से पतले वाले भी कंटेनर आते हैं जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। बस मैं आपको दिखाने के लिए कंटेनर मार्केट से लाया था। तो इस प्रकार से ये जो कंटेनर है आपको मार्केट में मिल जाते हैं। और आपको इसको पैकिंग करने से पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने इसमें होल किया हुआ है, ये ढक्कन में भी आपको होल मिल जाएगा। और जिसमें भी आप होल करो, चाहे आप पॉलीथीन में करो, पीपी में करो या कंटेनर में करो, आपको उसमें होल करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप होल नहीं करेंगे तो होगा ये कि जो आपके मशरूम है वो फ्रेश नहीं रहेंगे। हम जो है मार्केट में 200 ग्राम या 1 पाव का पैकिंग करके भेजते हैं, अपने एरिया के अनुसार से अपने मार्केट के अनुसार से पैकेजिंग आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। बाकी आप कोशिश ये करिएगा कि पैकेजिंग आप 200 से 250 ग्राम रखिए ताकि एक जो रेट है एक नॉर्मल सा रेट रहे, ज़्यादा हाई रेट ना रहे। और तराजू में इस कंटेनर को हमें डाल देना है। कंटेनर का वजन लगभग आ रहा है 15 ग्राम, तो आपको जितना भी इसमें मशरूम पैक करना है उतना आप इसमें मशरूम डाल सकते हैं। तो एक एक करके ये मशरूम को आपको डालना है
और बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके कंटेनर में होल होना चाहिए और मशरूम में आप पानी का स्प्रे बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये जो हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं ये 200 ग्राम का है और एक एक करके जितने भी मशरूम रहेंगे सबको इसमें आपको पैक कर देना है। मशरूम की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और ये 215 ग्राम हमारा वेट हो गया, 15 से 17 ग्राम हमारे कंटेनर का वेट था और मशरूम का जो वेट है इसमें 200 ग्राम हो गया। इसके ढक्कन से इसको पैक कर लेना है। देखिए इसमें कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें आपको जो है ऊपर में इसके स्टिकर आप चिपका सकते हैं, स्टिकर का सैंपल आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा हो। हम हमारे जो थोक डीलर हैं उनको बिना किसी स्टिकर चिपका के देते हैं ताकि वो लोग जो है अपना इस प्रकार से सेल कर सके। या कई लोगों का क्या है स्टिकर का रिक्वायरमेंट रहता है तो हम उनके नाम से स्टिकर बनवा देते हैं और यहाँ पर आप स्टिकर को बड़े ही प्यारे ढंग से चिपका सकते हैं। तो देख सकते हैं ये 200 ग्राम का हमारा पैकेजिंग है कितना प्यारा लग रहा है। तो इस प्रकार से आप कंटेनर में इसको पैक कर सकते हैं। यह 220 ग्राम मशरूम का जो वेट है वो 200 ग्राम है और ये मैंने इसको पैक कर लिया। अब ये जो हमारा कंटेनर है ये मार्केट में जाने के लिए रेडी है। अगर कहीं आपको इसको मार्केट में भेजना है तो आप इसको आराम से भेज सकते हैं। 12 से 24 घंटे तक मशरूम को कुछ नहीं होगा, मशरूम की जो फ्रेशनेस है ऐसी बनी रहेगी। अगर इसको आपको ज़्यादा दूर और भेजना है तो आप फ्रीज़र वगैरह का यूज कर सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करके आप इसको आसानी से 2 से 3 दिन तक चला सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंटेनर पैकेजिंग जिसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आती है। अब मैं आपको दूसरी पैकेजिंग दिखाऊंगा जिसकी जो पैकेजिंग कॉस्ट है बहुत कम आती है और ये इस प्रकार से ये नॉर्मल जो पॉलीथीन है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और इसमें आप जितना आपको बेचना है 200 ग्राम 250 ग्राम आप पैक कर सकते हैं। इसमें भी आपको होल करना ज़रूरी है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी पैकिंग आप कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पॉलीथीन में इसको पैकिंग कर सकते हैं। पॉलीथीन आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा और आप चाहें तो पॉलीथीन में या कंटेनर में इस प्रकार से 200 ग्राम का इसको पैकेट बना सकते हैं। और मार्केट में आप जो होलसेलर आते हैं उनको बोलिए कि भैया आप इसको 30 रुपये में आप रखिए, आप 30 रुपये में उनको बेचिए तो 30 रुपये के हिसाब से हो जाता है ये 150 रुपये किलो का। तो 150 रुपये का रेट आपको मिलेगा और उनको बोलिए कि अपने हिसाब से 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये के हिसाब से सेल करें। और जितना भी मशरूम बच जाता है आप उनको बोलिए कि भैया अगर मशरूम बच जाता है तो मैं इसको वापस ले लूँगी या वापस ले लूँगा और उसके बाद आप मशरूम को ड्राई कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में है जब आपका मशरूम नहीं बिक रहा है। बाकी मेक श्योर कि अगर इस तरह से आप बढ़िया से इसको पैकिंग रखें तो अगर आप दुकान वाले को 10 से 12 पैकेट दे रहे हैं तो 8 से 10 पैकेट तो इजीली कोई भी दुकान वाला बेच सकता है। तो इस प्रकार से मार्केट में जो है इसको आप सेल करिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पैकिंग में विशेष ध्यान देना है क्योंकि किसी भी चीज़ की पैकेजिंग उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। जो कहावत है जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको थोड़ा सा इसके दिखने में फोकस करना है। और बढ़िया अगर आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से कंटेनर में पैकिंग करके या पॉलीथीन में पैक करके मार्केट तक सप्लाई करेंगे तो आप दिन का आराम से 5 से 10 किलो मशरूम सेल कर सकते हैं। तो आई होप आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और मिलते हैं हम लोग जल्द किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।